अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ लाल मोहम्मद और आप लोग देख रहे हैं WBD जेनेविस लुबंगा न्यूज हेडलाइंस। आज आप मौजूद है ग्वाल पोखर के प्राइवेट FP स्कूल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 जुलाई है आज, और आज जो है अल मदद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया था, आप सभी को पता होगा, जिसमें द हेल्पिंग हैंड्स ने बहुत ही अच्छी तरीके से भूमिका निभाई है। साथ ही साथ यहाँ पर अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के जवान भी मौजूद हैं। सीधे तौर पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या मतलब इस ब्लड डोनेशन कैंप में काम किए हैं। तो चलिए सीधे तौर पर हम ब्लड अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के नौजवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बताए ब्लड डोनेशन कैंप आज आप लोग ऑर्गेनाइज किए अल मदद वेलफेयर सोसाइटी की जानी चाहिए, क्या मैसेज देंगे ग्वाल पोखर लोगों को? सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं मोहम्मद ज़ीशान अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का खादिम हूँ। माशाल्लाह NGO वाले सबका यही मकसद है कि जितने सोसाइटी के लोग, अगर पॉवर्टी है, गुर्बत है, उसको दूर किया जाए, कोई एजुकेशनल सिस्टम है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, उसको दूर किया जाए, इस तरह करना है। तो हम ये काम करें तो हमारा ही काम ही है। अगर NGO वाले हैं तो ये सब काम करना ही चाहिए। माशाल्लाह आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है माशाल्लाह। तो सर अभी जानना चाहेंगे कि इसके बाद अगर क्या अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का कोई नेक्स्ट स्टेप, मतलब कोई कदम ऐसा होगा? इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम जो है ना वो एजुकेशनल, कल जो है ना एक तो सदाहिन कमेटी के कोलेब्रेशन के जरिए हमने उसको एक दावत इस्लामी का प्रोग्राम करने वाले हैं, जो प्लांटेशन का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह उसमें भी हम जितने भी देखने वाले हमारे सामने तो हम गुजारिश करेंगे हॉस्पिटल में ज़रूर आए, है ना, उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें। ऐसे 8 तारीख में एक और प्रोग्राम है, वो एजुकेशन प्रोग्राम है, जिसमें एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी जो है उस NGO के जरिए है, जिसमें हमारे भी इंशाल्लाह शिरकत होगी, अल मदद की भी, द हेल्पिंग हैंड्स की भी शिरकत होगी, ये जितने NGOs हैं हमारे स्थायी कमेटी सब जो है इंशाल्लाह वो लोग भी हाजिर होंगे। ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह हमारा स्टेप बाई स्टेप नेक्स्ट हम लोग करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबसे पहले मैं जो है अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का जो है शुक्रगुजार हूँ कि वो इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप बैठा करके हम नौजवानों में एक नए तस्वर को जन्म दिया कि खून देकर कैसे किसी की जान बचाई जाती है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है ग्वाल पोखर वालों के लिए और बहुत ही अहमियत के हामिल कॉन्सेप्ट है। मैं उन लोगों का काफ़ी तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, उनके तमाम कमेटी के मेम्बरान को, और इसके अलावा जितने भी कमेटियाँ उनकी साथ दिए, जैसे हम लोग सदाइन कमेटी के मेंबर के हैसियत से मैं भी आया, और वो हेल्पिंग हैंड कमेटी ने भी यहाँ आके जो है साथ दिया, उसका भी हम शुक्रगुजार है कि जो है इस तरह के प्रोग्राम को आगाज़ करने में बहुत ही योगदान दिया। करते हैं दीपक साहब, अभी आपको कैसा लग रहा है मतलब ये काम करते हुए? सबसे पहले तो मैं यहाँ का जो ऑर्गेनाइजर है अल मदद वेलफेयर सोसाइटी, इसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक डिसीजन लिया गया है आज का दिन, और बहुत ही सारा आदमी ये लोग का जो मेंबर है अल मदद वेलफेयर सोसाइटी का, बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी अभी हम देख के आए रूम से 30+ है नाम, तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी जो पूरा दुनिया में जो ब्लड का जो संकट चल रहा है, संकट इस महामारी को दूर करने के लिए ये लोग का जो ये उद्योग है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं शुक्रिया फिर से कहना चाहूँगा वेलफेयर अल मदद वेलफेयर सोसाइटी के हर एक सदस्य का, खास करके स्पेशल नूरुल भाई, जिशान भाई जी। ऐसा अभी एक सवाल और रह गया, जैसे कि देखा जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल जो भी हैं अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, क्या इसके अलावा आपका कोई और नेक्स्ट प्रोग्राम है अगला कौन सा? जी 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 जी, हम लोग इसके बाद 8 तारीख को है, 11 तारीख को है, 17 तारीख को है, यानी टोटली 15 अगस्त तक हम लोग का 6-7 प्रोग्राम ऑलरेडी हम लोग प्लानिंग करके सेट करके रखे हैं। इसके बाद 8 तारीख लोधन चौक में है, जो नीडी जो स्टूडेंट है, गर्ल्स एंड बॉयज़, वो लोग को ड्रेस, चप्पल, बुक, पेन, मैंने सब कुछ मुहैया कराया जाएगा द हेल्पिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इसमें साथ रहेंगे हम लोग का नूर भाई, जिशान भाई भी रहेंगे अल मदद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब आपको हमारे साथ द हेल्पिंग हैंड के मेंबर रफीक रॉक साहब मौजूद है, इनसे सीधे तौर पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। रफीक साहब अभी आपको कैसा लगा, मतलब आप एक के एक मतलब ताबड़तोड़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने देखा कि नेशनल हाईवे पर आपने अपनी बात रखी थी, वहाँ के जिस तरीके से आपने काम किया, उसके अलावा फिर आप जो है अलग अलग जगहों पर अपने अपने कैंप लगाकर कभी पर मेडिटेशन के तरह, कभी पर ब्लड डोनेशन के तरह काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है मतलब आपको ये सब काम करने में? सर सबसे पहली बात तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि लोगों तक हमारा जो मैसेज है, एक अच्छा न्यूज़ है, वो लोगों तक पहुंचा रहा है। और अल मदद वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया गया है, इसके लिए पहले एक शायरी मारेंगे
कि मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बेशक, वाह। हम अपना खून देकर अगर लोगों की मदद करते हैं तो ये एक जो सोशल वर्क का काम है, तो ये हम इस ऐसे कामों में हम लोग कामयाब हो जाते हैं। बस इसी तरह छोटा छोटा प्रोग्राम करेंगे और लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे। सर, तवज्जो चाहूँगा कि दोबारा ये शेर पढ़ा जाए, जो शेर आप पढ़े थे। मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। तो सर, अभी हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं दिगर, कभी अपने खुद के एनजीओ के साथ को कभी दिगर एनजीओ के साथ, तो क्या इसके अलावा और भी आपका कोई प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम है? जैसे कि 8 तारीख को बताया जा रहा है कि लोधन में है, तो इसी तरीके से मतलब आप कितना और कब तक करेंगे? जी, जैसे समाज के लिए जो भी एनजीओ या जो भी क्लब काम करेगा, दी हेल्पिंग हैंड्स उसका साथ देगा जी। ये हम लोग का नियम है। और साथ ही साथ जैसे 8 तारीख जीशान भाई ने बोला कि 8 तारीख को एक प्रोग्राम है, हकीकत में 8 तारीख को भी हम लोग का प्रोग्राम है और 11 तारीख को भी हम लोग का प्रोग्राम था, लेकिन 11 तारीख का प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग का राशन बांटने का काम होगा, उसको भी जारी रखना है। 8 तारीख के प्रोग्राम में हम लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही ज़्यादा नीडी पर्सन है, तो उनको हम लोग कपड़े देंगे, चप्पल देंगे, कॉपी देंगे, कलम देंगे और साथ ही साथ दीगर और भी सामान देंगे, और इस प्रोग्राम को हम लोग 8 तारीख को ही पूरा करेंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया।